हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में धर्मिंदर बॉलीवुड मशहूर एक्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। धर्मिंदर सिंह देओल 8 दिसंबर 1935 को हिंदुस्तान के सूबे पंजाब में पैदा हुए। धर्मिंदर ने 1958 में अपनी फिल्मी करियर का आगाज़ किया। धर्मिंदर ने 1980 में मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी के साथ शादी की। धर्मिंदर ने अदाकारी के अलावा सियासत में भी काम किया और लोकसभा इंतखाबात में भारत जनता पार्टी के हक में खड़े होकर इंतखाबात भी जीते। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के फर्जंद सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, विजेता देओल और अजीता देओल शामिल हैं। धर्मेंद्र ने 1958 में अपनी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम बेचारे में किरदार अदा किया। धर्मेंद्र को फिल्मी दुनिया में बहुत सारी कामयाबियाँ मिली, जिनमें दर्द, शोला और शबनम, फरजंद, लुटेरा दिल्ली और यमला पगला दीवाना शामिल हैं। धर्मेंद्र सिंह देओल ने लगभग 300 फिल्मों में अपना किरदार अदा किया। धर्मेंद्र को बॉलीवुड सिनेमा का एक सितारा माना जाता है। 1997 में धर्मेंद्र को पद्मा भूषण और 2012 में दादा साहिब फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। धर्मेंद्र सिंह देओल 2023 में 88 साल के हो चुके हैं।